वंदे गुरुपद्तम भक्तबिंदुसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्त बिंदावनम मनोहरम वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु विवच पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव बिंदा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्णभक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरण्य धैयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पुनतोपालभवाद्दीपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गर्भवधूषुअदर्शी पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपा करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासुनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां
Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisha jusho vadane Lakshmir yasya cha vakshasi Yasyaste hidaya sambhit Tvam nishinga maham bhaji Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Sankirtamano Bhagavan Ananta Sratan Bhava Vasanam Hipungsam Pravishya Chityam Dhanati Yasisham Yathatam Arko Abhromi Bhati Bhata Sankirtamano Bhagavan Ananta Sratan Bhava Vasanam Hipungsam Pravishya Chityam Vidhanati Yasisham Yathatam arko abhramivati bataha Sankirtamano Bhagavan Anantaha Sratanu bhavo vyasanam hipamsam Pravishya chityam vidhunoti asisham Yathatam arko abhramivati bataha Gauriya Goshtibhati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagat Guruji ne bataye ke naam grohan ka samay naam grohan karne ka samay jitna duniya ka jad jad material chinta jad chinta aa baithta hai kya kare si naam grohan ka samay दुनिया भर का आपत चिंता आके घेर लेता है हमको प्रभुपाद उत्तर दे रहा है गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने इसका उत्तर दे रहा है समाधान दे रहा है प्रभुपाद कह रहे हैं गुरुवानुगत में श्री कृष्ण नाम ग्रहण करने से मंगल होगा ही होगा लेकिन गुरुवानुगत में करना पड़ेगा गुरुवानुगत में श्री नाम ग्रहण करने से मंगल होता है श्री नाम ग्रहण का समय दुनिया भर का जड़ चिंता उदित होता है तो फिर हम नाम क्या करें छोड़ दें नहीं छोड़ने का बात नहीं नाम ग्रहण समय में जितना जड़ चिंता दुनिया भर का आए तो ठीक ठीक है चलो कोई बात नहीं श्री नाम ग्रहण में आप अगर ढीला दे दो अरे नाम ग्रहण कर क्या होगा ये दुनिया का चिंता आ रहा है ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना श्री नाम ग्रहण का समय में दुनिया भर का जड़ चिंता आ बैठता है इसके लिए नाम ग्रहण का समय में आप सोचोगे क्या होगा नहीं होगा अर्थात आपका मन ढीला हो गया ऐसा उचित नहीं है ये श्रीनाम ग्रहण करते करते हर किस्म का वृथा चिंता अपने आप चले जाएगा लेकिन आप पारपासली चिंता करके इच्छा करके जड़ चिंता मत लाओ कहने का मतलब है प्रभुपाद कह रहे हैं श्री नाम ग्रहण करते करते सरल भाव का साथ हाँ हृदय कॉम्प्लिकेटेड है हृदय अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसका लिए नहीं ध्यान दे बात पर हृदय सरल है क्या करे नाम ग्रहण कर दुनिया भर का चिंता ठीक है इसी नाम ग्रहण करते चलो और प्रार्थना करते चलो श्री नाम ग्रहण करते करते ग्रेजुअली
ये सारे चिंता धीरे धीरे चले जाएगा। आप ज्यादा जल्दीबाजी करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलना। आप अगर इसके लिए जल्दीबाजी करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने जाए तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती मन को हटाया जाए संभव नहीं, उल्टा फल हो जाए। मन को जितना ही आप दबा डालोगे उतना ही विकृत हो जाएगा। मन का ऊपर अब जितना दबा डालोगे, अरे ऐसा मन को जितना करोगे उतना ही उल्टा फल मिलेगा, फल उल्टा मिलेगा। इसलिए मन का साथ लड़ाई मत करो, मन को छोड़ दो। लेट द माइंड गो एज इट इज, मन चलते रहे। इसका साथा दमना जो क्या करे, आप दर्शक बन के रहो। इस बात पर ध्यान देना क्या बोलना चाहते। जैसे एक सिद्ध महात्मा जब उस अवस्था में पहुंच जाता, उस इन अवस्था में इनके सारे क्रियाक्रम का साक्षी बनकर रह जाता है। ये समय जब उच्च अवस्था में जाता है, उस समय गुना 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 गुणेश वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते बुधा। ये अपने आप सब हो रहा है और आपका तरफ से कोई प्रचेष्टा नहीं है। आप दर्शक बन के रहो। आपका भावना ऐसा रहेगी, भावना जो हमारा साथ इसका कोई ताल्लुका नहीं है, मटेरियल आने दो, क्या है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, नाम कर रहा हूँ, आने दो, कितना आएगा आए। इसको जोर जबरदस्ती करोगे तो उल्टा फल मिलेगा। जैसे हमने बताया था, बीजित ऋषि कबायु भिरदंत मनस्तुरगम, ये श्लोक बताया था ना। इस समय मन के ऊपर जैसे पागला घोड़े का साथ, ये श्लोक में मन को पगला घोड़े का साथ तुलना किया गया। विजित ऋषि कवायो विरदंत मुनस्तुरगम जय अजतं दियंतो मति लोलुम पायुकित व्यासन सतामृतो समवायु गुरुश्चरण वनिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलोधो। ये इसमें श्लोक में इसका व्याख्या नहीं करना चाहिए, अब समय नहीं है। विजित ऋषि कबायु फिरदंत मुनस्तरग, मनो मन को तुरग मतलब घोड़े का साथ, पगला घोड़ा का साथ तुलना किया गया। और इसको जबरदस्त कंट्रोल में लाना बिल्कुल संभव नहीं। जितना आप जोर जबरदस्ती करोगे उल्टा फल मिलेगा। इसलिए लिखा है ये मन को संभालना बहुत मुश्किल है, आपको फेंक देगा। आप पगला घोड़े का ऊपर चढ़ने जाओगे तो आपको फेंक के आपका छाती पे एक लगा देगा, मर जाओगे। तो बीजी तो ऋषि को वायु वीरदंत मुनस्तुरगम, इंद्रियो ग्रम को बस में लाना, मन को बस में असंभव, फिर भी संभव है। कीर्तन में बताया उस दिन क्या बताया था, अनेक जतने शेषव जमने छारिया चियासा आमी। कीर्तन बंगला में है, ध्यान से सुनो समझ में आए। अनेक जतने शेषव दमने छारिया चियासा आमी, अनाथेर नाथ डाकित नाम एखन भरोसा तुमी। ये कीर्तन का पद है भक्तिमय ठाकुर। बहुत प्रयास प्रचेष्टा करके देख लिया महाराज, कुछ होने वाला नहीं। अब भगवान का शरण में गया, अनाथेर नाथ डाकित नाथ एखन भरोसा तुम्हें। भगवान का शरण में जाने का मतलब है गुरु वैष्णव का चरण में जाना, और क्या। भगवान का शरण में कैसे जाओगे, भगवान का शरण में तो डायरेक्ट में नहीं शरण में जाया जाए ना, जाना संभव नहीं। तो गुरु वैष्णव का शरण में, कौन गुरु वैष्णव का शरण में, जो लाखपति है, महाप्रभु जी ने बताया, जो लाखपति है वो साधु।
100,000 भगवान का नाम कम से कम लेते रहता है। तो ये पागला घोड़ों को दमन करना बहुत मुश्किल है। जब पोपा कह रहे हैं जब मन में उत्पटन चल रहा है तो चुपचाप हो जाओ, करने दो पगला को, आप धीर हो जाओ, साक्षी बन के रहो और नाम को पर ध्यान दो। नाम गोहन करते करते क्रमशः ग्रेजुअली वो किस्म का फालतू चिंताएं हट जाएगा। इसके लिए व्यस्त तो नहीं होना, पहले ही फल मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। भक्ति में पोपात कह रहे हैं इसके लिए ज्यादा इसके लिए ज्यादा व्यस्त तो मत हो, क्योंकि पहले ही आपको रिजल्ट मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिजल्ट नहीं मिलेगी पहले। कृष्ण नाम अत्यंत प्रीति का साथ करने शुरू कर दो, चिल्ला चिल्ला कर। पापा जी ने अक्सर कहते थे अगर अपराकृत हरि नाम आप चिल्ला चिल्ला कर करोगे तो बहुत जल्दी ये अनर्थ आपका हट जाएगा। चाहे दुनिया का आदमी आप पर हंसी उड़ाए, हरे कृष्ण बोल रहा है रे, पापा कह रहे हैं दुनिया का आदमी आप पर हंसी उड़ाएगा, लेकिन फिर भी आप चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते चल, वो मजाक उड़ाने वाले आदमी बहुत जल्दी ही चुप हो जाएगा और आपका अनर्थ भग जाएगा। करने दो उसको मजा। कृष्ण नाम में प्रीति का साथ करना चाहिए। जड़ चिंता लोग धीरे धीरे, जड़ चिंता का जो प्रभाव है धीरे धीरे घट जाएगा। कृष्ण नाम में प्रबल आग्रह नहीं रहने से जड़ चिंता कैसे जाएगा। जब तक अनुभव ना हो हरि नाम और हरि समान है, कब कैसे जाएगा ना जाने का। सो काय मन वाक्य के द्वारा श्री नाम का सेवा करने से श्री नामी परम मंगलमय स्वरूप को प्रदर्शन करता है। पोपात खोद बता रहे भक्ति सिद्धांत, काय मन वाक्य के द्वारा, काय मन वाक्य के द्वारा, प्रबल आग्रह के द्वारा, बड़ा आग्रह के द्वारा, परम आग्रह के द्वारा काय मन वाक्य में श्री नाम सेवा करते चलो और श्री नाम परम मंगलमय अपना जो पवित्र स्वरूप ये प्रकाशित कर देंगे। इसका भी चिंता मत करो, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नाम ग्रहण करने से आपका अनर्थ राशि भग जाएगा। इसके लिए चिंता मत करो, ये तो अनर्थ राशि आपका जाएगा ही जाएगा। अब प्रश्न आता है जो श्लोक देके शुरू कर दिया था, संकीर्तमान भगवान अनंत श्रुतानुभाव वशनम ही पुंसम प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम यथा तमु और को अभ्रो मिबाति बात। जितना अनर्थ राशि है श्री कृष्ण संकीर्तन करते करते कितने सब धीरे धीरे सब है विगत। भक्ति मठ कह रहे श्रुतो अनुभूतो जत अनर्थ संयोग श्री कृष्ण कीर्तने सब है तो वियोग। जे रूप वायुते मेघ सूर्य तमह नशे चित्ते पवेशिया दोष अशेष अशेष विनाशे। क्या हिंदी में बताएं, जैसा प्रबल वायु आसमान में चलने से मेघ अभ्रो बिखर जाते हैं। भक्ति में ठाकुर बांग्ला में बोला, हम हिंदी में बता देते, जैसे प्रबल वायु के द्वारा मेघ संचालित होके इधर उधर भटकते रहते हैं, सूर्यो तमह नासे सूर्य का ऊपर, सूरज भगवान के ऊपर काला मेघ, एक काला मेघ का कवरिंग जो है ये हट जाएगा। और ये तमो घन घटा अंधेरा है ये हट जाए,
ऐसा ही माफिक चित्त प्रवेशिया दोष अशेष अशेष विनाशी अनंत पाप राशि आदि जो कुछ भी अनर्थ चित्त में प्रविष्ट होकर ये आपका सारे दोष को खत्म कर देंगे। कृष्ण नाम आश्रय में चित्त दर्पण मार्जन होता है अति शीघ्र लोभे जीव कृष्ण प्रेम धन। क्या लिखा है? श्रुतो अनुभूत जतो अनर्थ संयोग श्री कृष्ण संकीर्तने सब है तो वियोग जे रूपे वायुते मेघ सूर्य तम नाशे चित्ते प्रवेशिया दोष अशेष विशेषे कृष्ण नाम आश्रय चित्त दर्पण मार्जन अति शीघ्र लभे जीव कृष्ण प्रेम धन। आई बात समझ में? कृष्ण कीर्तन जैसे प्रबल वायु मेघ को हटाकर सूरज का जो स्वरूप प्रकाश कर देता है ऐसा माफिक सहायता कर देगा। कृष्ण नाम का ऐसा प्रभाव है। बहुत बार ये चर्चा में आया प्यार का साथ भगवान का नाम लेना भगवान का होकर भगवान का नाम लेना ये कितना बड़ा विषय है। भगवान का होकर मतलब पूर्ण शरणागत तो हम आपका है। भगवान का होकर भगवान का नाम लेना ये बड़ा जबरदस्त पावरफुल है। और सिद्ध महात्मा लोग नामाश्रया भक्ति का ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। नामाश्रया भक्ति ऐसे सच कहा जाए तो तमाम भक्ति का जो मोड है तमाम भक्ति का मोड अगर वास्तविक नाम भजन हो जाए नाम वास्तविक नाम भजन में पूरा हो पाता। किसी भी डिफेक्ट्स हो किसी भी मुश्किल हो कि नाम भजन के द्वारा सब हो सकता है। नाम भजन ऐसा है नाम भजन के द्वारा सब हो सकता है। इसलिए कृष्ण नाम आश्रय करके प्रबल परिपूर्ण रूप में सर्वांगीण रूप में अगर आश्रय करे तो कृष्ण नामाश्रय चित्त दर्पण बिल्कुल अनर्थ शून्य निर्मल हो जाए अति शीघ्र बहुत जल्दी से जल्दी जीव कृष्ण प्रेम धन लाभ करता है। ये नियम अब अनर्थ किसी अनर्थ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा ख्याल से पहला दिन हम चर्चा किया था कि कैसे ऐसे संभव है कि माया देवी का साथ आत्मा का जो माया देवी का प्रभाव पड़ता है आत्मा को और कैसे संभव है क्योंकि आत्मा का साथ तो ये दुनिया का कोई संबंध है नहीं। आत्मा चिन्मय है फिर भी ऐसा क्यों होता है? भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत् पुरुषम पूर्णम मायांच तदवाश्रयम्। वैष्णव गोस्वामी भक्ति योग के द्वारा विभावित होकर देख पाया प्रणिहित अमले फुल कंसंट्रेशन जब आया विभावित हो गया तब देखे अपश्यत् पुरुषम पूर्णम पूर्ण पुरुष को दर्शन किए। पूर्ण पुरुष का पीछे शर्म के मारे सर झुकाकर रही है माया देवी। अपश्यत् पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम् भगवान का आश्रय में पीछे है। और ये माया का प्रभाव जया सन्मोहित तो जीवो ये माया का प्रभाव से जीव सन्मोहित तो हो जाता है। जया सन्मोहित तो जीवो आत्मनम त्रिगुदा अपने को त्रिगुण का अंदर का प्रभाव का अंदर सोचता है यही ठीक है। अपने को ये त्रिगुण का प्रभाव का अंदर प्रभावित देखता है अपने को। जया सन्मोहित तो जीवो ये माया जीवों को सन्मोह में डाल देता है। जया सन्मोहित तो जीवो आत्मनम
त्रिगुणात्मकम ये हम त्रिगुण का अंदर का ही एक कुछ है, लेकिन परोपी मनुते अपना आत्मा जो है चिन्मय है, परोपी मनुते अनर्थ, अनर्थ आने का कोई चांस ही नहीं है आत्मा का, फिर भी हो जाता। ये अध्यास माया का एक प्रभाव पड़ता है, जो सच्चा नहीं उसको भी सच्चा मान लेता है, सच्चा मान लेता है। जया सन्मोहित तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मनम और परोपी मनुते अनर्थम, अपना कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया का सुख दुख गोली मारे चूल्हे में जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब है, सोचता है कि मतलब है। जया सन्मोहित तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मनम परोपी मनुते अनर्थम तत्कितन चाभी पद्धति, हमारा किया हुआ फल दुख सुख सब। तो ये जो है ये बड़ा जबरदस्त चीज है, कृष्णो कृष्णमया जीव, यही तीन तत्व, बहुत सारे तत्व है, जैसे पूरा सृष्टि का रचना प्राकृत सब लेके इसमें जीव ईश्वर, जीव ईश्वर, जीव माया काल, ये सारे जो है ये विराजमान है नित्य, काल कर्म ये सब के द्वारा सृष्टि का जो एक एक धूम मचा है चारों, ये सब ऐसा ईश्वर जीव काल, ईश्वर जीव काल माया कर्म ये सब अनादि से विराजमान। तो कृष्णो कृष्णमया जीव ये तीन तत्व, माया मोहे मायाबद्ध जीवेर अनर्थ अपना बोल के मानता है, जब भी अनर्थ के साथ जीवों का कोई संबंध है ही है तो अनर्थ अपना ही दुख अपना ही सुख, मर गया पिताजी मर गया बच्चा ये सब ये अपना ही सोच लेता है, ये माया का अध्यास है, माया का टेक्निक है, माया का जादू है इसके द्वारा। फिर ये माया को हटाए कैसे, प्रभुपाद जी ने बताया ये उच्च स्वरे हरिनाम करिले जीवेर अनर्थ राशि दूरीभूत है, और उपहास जरा करें तारा आर उपहास करवा सुजोग पान ना। बेंगली में जीव उच्च स्वर में हरिनाम करने से धीरे धीरे अनर्थ राशि भग जाता है, और जो लोग हंसी उड़ाता है हरिनाम करने वाले का बाबा का ऊपर, वो भी हंसी मजाक उड़ाना बंद कर देने में मजबूर हो जाता है, बंद कर देती है। अब ये मायाबुग्ध जीव का चार किस्म का अनर्थ के बारे में बताया गया, मायाबुग्ध जीव का चार अनर्थ है, एक है स्वरूप विभ्रम व तत्व विभ्रम है, मायाबुग्ध जीव का चार होता है, एक असत्तृष्णा हृदय दुर्बुल्लो अपराध स्वरूप विभ्रम। तो स्वरूप विभ्रम पहले हम विचार करें, स्वरूप विभ्रम अर्थात अपने आप का ऊपर अब गलत फहमी होता है, मैं ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ, स्वरूप का विभ्रम है, अर्थात जीव अपना स्वरूप को नहीं पहचान पाते, ये एक अनर्थ है। स्वरूप विभ्रम, स्वरूप का भ्रम, स्वरूप का भ्रम चार किस्म का होता है, अगर स्वरूप का भ्रम विचार करो तो चार किस्म का, क्योंकि स्वरूप अपने आप का स्वरूप अर्थात मेरा कहने का मतलब है स्वतत्व, अर्थात मेरा तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, क्या है मेरा तत्व, सो स्वतत्व परतत्व मैंने भगवान का तत्व में आ गया, स्वतत्व परतत्व और साधु साधन तत्व में भी संशय है, साधु साधन तत्व में अनर्थ आ सकता है, अपना मनमानी कुछ भी करे ये भजन हो रहा है, अपना मनमानी कुछ भी करे ये भजन हो रहा है, ये अनर्थ है। तो स्वतत्व अपना तत्व में, परतत्व भगवत परतत्व में, साधु साधन तत्व में हो सकता है गलती विभ्रम, समझ नहीं पाए, जैसे तपन मिश्र भाग के आए, तपन मिश्र भाग के आए चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब चैतन्य महाप्रभु पूर्वाश्रम में थे नवद्वीप में,
बांग्लादेश में गया, उस जमाने में भारतवर्ष है अलग नहीं, तो उस समय बांग्लादेश में पद्मा नदी का सारे में सारे प्रचार किया महाप्रभु। तपन मिश्र बोल के एक 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 ब्राह्मण भक्या ये सपने देखकर, क्योंकि उसका जिंदगी में साधु साधुन क्या है समझ भी नहीं आ रहा है, बाद में सपने देखकर ये आए महाप्रभु के चरण में, आप आपको बताओ साधुधुन तो साधु साधुन तत्व तो हमको बताओ, समझ में नहीं आ रहा। महाप्रभु साधु साधुन तत्व के बारे में बताए, और इतना ही नहीं नाम संकीर्तन सबसे ऊपर ये बताए। तो फिर साधु साधुन तत्व में महाप्रभु जहां भी गया, साधु साधुन तत्व के बारे में महाप्रभु जहां भी गया साधु साधुन तत्व के बारे में, वहां संबंध अभी प्रयोजन, संबंध कृष्ण संबंध, कृष्ण के साथ मेरा संबंध, ये संबंध को जागरूक करना, ये अविद्यो आ प्रेम प्रयोजन, ये तीन संबंध अविद्यो प्रयोजन। महाप्रभु हर जगह व्याख्या की, हर जगह बताए। तो अपना स्वरूप में भी भ्रम, सतत्व में स्वरूप स्वरूप भ्रम, और परतत्व में तत्व भ्रम है स्वरूप भ्रम, और साधु साधन तत्व में और भजन का विपरीत विषय की है, विरोधी विषय, क्योंकि अंधेरा अगर ना देखे जिंदगी में तो रोशनी का महिमा कैसे समझेगा। जो अंधेरा में रह चुका है वो रोशनी का मर्यादा प्रभाव प्रतिपत्ति जान सकता, इसलिए भजन समझने से भजन का विपरीत क्या क्या है ये भी समझना चाहिए। नेगेटिव नहीं समझते, नेगेटिव के द्वारा पॉजिटिव को कन्फर्मेशन करो, कन्फर्म करो। आई बात समझ में, अंधेरा नहीं रहने से रोशनी का मर्यादा समझेगा। अगर सूरज भगवान को पूछो आपने कभी अंधेरा देखा है, सूरज भगवान बोले अंधेरा क्या चीज होता है ये, हम तो देखा ही नहीं कभी, नहीं अंधेरा हमको कोई, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, जन्म से कोई अंधेरा देखा ही नहीं। तो हमारा जिंदगी में अगर अंधेरा देखा है तो रोशनी का उजाला का महिमा पता चलेगा। इसलिए साधु साधन तत्व को पक्का करने के लिए, साधु साधन तत्व को पक्का करने के लिए ये विरोधी विषय का भी जानकारी चाहिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में लिखा है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्श्व सियोधाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान हैं शिखाय शरणागति भक्ति दैन्य आत्म निवेदन गोपतित्व वरण अवश्य रक्षिबेन कृष्ण विश्वास पर। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার, ভক্তি প্রতিকূল কাজ বর্জ্য দেন। আইবা সময় নেই, ভক্তি অনুকূল কর্ম কার্যের শিকার, ভক্তি প্রতিকূল কর্ম বর্জ্য। তো হাম আগর বর্জন করে, হাম অ্যাভয়েড করে, অ্যাভয়েড করে তব না অ্যাভয়েড করে তো হম পতা চলে, হামক আগর পতা চলে যে নেগেটিভ তব তো করে অ্যাভয়েড করে, নাই তো কেসে করে। ভক্তি অনুকূল समझाए, और प्रतिकूल अगर ना समझे तो भक्ति अनुकूल विषय को आगे ले जाना अर्थात दृढ़ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सतत्व विभ्रम, जीवों का स्वरूप का विभ्रम, परतत्व में भगवत विषय, भगवत तत्व में परतत्व में विभ्रम, और साधु साधन तत्व में विभ्रम विशेष भ्रम, और विरोध विषय ये तत्व भ्रम चतुर्विद हो गया। असत्य के बारे में ध्यान देना चाहिए, जाने अनजाने में कैसे कब ये चोरा ये बदमाश आ जाता है, अनजाने में पहुंच जाता है छुपके से, इतना चोर है वो, क्या है असत्य, बोले महाराज हमारा असत्य, अरे है, और असत्य नहीं है हो ही नहीं सकता, असत्य है बोल के तू दूसरा जगह दौड़ रहा है, असत्य है ना वो है, थोड़ा कम और बेसी है ही है।
अशोक तृष्णा चार किस्म का होता है, ओहिक ओषणा। ये जगत में रहते हुए बहुत सारे ऐशना रहता है, लोग मेरे नाम करे, मेरा सम्मान करे, ऐशिक मेरा पैसा हो जाए, बहुत ऐशिक ऐशना ऐशना, बड़ा बड़ा आदमी बन जाएंगे हम, है ना, ऐसा। तो ऐशिक ऐशना है, पारात्विक ऐशना मतलब मर जाने का बाद ऐशना है, हम स्वर्ग में जाएंगे मरने का बाद, वहाँ जाके भोगेंगे बड़ा अप्सरा आदि बहुत सारे, तो स्वर्ग जाने का बाद जग जग करके बड़ा दूसरा कुछ फासला बनाया, तो मरने का बाद जो जो उसको पारात्विक ऐशना इच्छा, ये पारात्विक ऐशना। और भूति वांछा मतलब विभूति, भूति वांछा मतलब विभूति, ये विभूति का वांछा ये बड़ा डेंजरस है। जो चैतन्य चैतन्य में बताया गया, यदि अगर हमारा अंदर में ऐसा चाहत पैदा हो जाए, तो चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, तो असली भक्ति का, भक्ति लता का जो असली जो शाखा है, असली जो मूल है, ये बढ़ने नहीं देते, इसको दबा देते हैं। वो कैसे, जैसे खेती में जब ज्वार हो, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी बो दिया, कुछ भी बो दिया, तो ये आपका फर्ज है बीच बीच में जाकर वो जो जैसे अनवांटेड एलिमेंट्स है उसको उखाड़ के फेंक देना, जिसको निराना बोलता है बंगला में, अर्थात खेती में वो उखाड़ के फेंक दे, जो अनवांटेड एलिमेंट है घास फूस ये सब हो गया उसको उखाड़ के फेंको, ये जरूरी है। अगर ना करे तो आपका फसल अनाज घर में लाना बहुत मुश्किल बन जाए, क्यों, आपने प्रोटेक्शन नहीं दिया, आपने प्रोटेक्शन नहीं दिया ना, तो इसीलिए आपका ऐसा मुश्किल हो गया। तो भूति वांछा चैतन्य चैतन्य में है, अगर ऐसा मापिक वांछा बढ़ते चले तो मूल शाखा को बढ़ने नहीं देते, मूल जो पेड़ का जो मूल शाखा मूल कांडो, तो ये दबा देगा। इसीलिए एक साधक का ये नियम है, बीच बीच में जाकर खेती का जैसे बुजवासी लोग सब आदमी करता है, अनवांटेड एलिमेंट को उखाड़ के फेंक देता है, ऐसा मापिक आपको फेंकना पड़ेगा। भूति वांछा आपका भजन का रुकावट है। आप सोचा कि अच्छा है भूति वांछा विभूति, मरने का बाद भी आदमी का अकल नहीं खुलता, अकल नहीं होता, वो चाहता है कि स्वर्ग में जाए, वहां जाके मजा करे, तो विभूति बन जा रहता है ये। वही पारोतिक ऐशना भूति कामना, अबर मुक्ति काम, कोई आदमी है मुक्ति चाहता है, मुक्ति भी कई किस्म का है, चल खैर छोड़ो, लेकिन सेवा का बारे में कोई ध्यान देना नहीं चाहता, सब अपना अपना, इसमें सेवा का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो फिर ओहिक ऐशना ओहिक पारोत्रिक ओहिक ऐशना भूति काम विभूति काम मुक्ति काम, ये चार किस्म का असत तृष्णा का ये विचार हमने किया। अपराध ये भी चार किस्म का है, अपराध ये भी चार किस्म का है, वो कैसे, कृष्ण नाम स्वरूप में अपराध कर दिया, भगवान का चित कौन, कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप में अपराध करना, कृष्ण नाम स्वरूपेशु, कृष्ण नाम में कृष्ण स्वरूप में, डायरेक्टली कृष्ण स्वरूप में या कृष्ण नाम का रूप में, उस समय अपराध किया आपने, नाम को असम्मान किया, कुछ किया होगा, तो कृष्ण नाम पे कृष्ण स्वरूप में और भक्तों में, भगवान का भक्तों में अपराध किया, भगवान का भक्त में अपराध किया, ये भी अपराध है। दूसरे अन्न नरे दूसरा आदमी को इसमें अपराध होता है, अपराध होता है। तो ये जो
अपराध चार किस्म का ये बड़ा भयंकर है। पहले पहले स्वरूप बिंबम, उसके बाद असत तृष्णा को व्याख्या किया, उसके बाद अपराध चार किस्म का, इसके बाद हृदय दुर्बल वीकनेस ऑफ हार्ट, वीकनेस ऑफ हार्ट ये भी भयंकर है। ये वीकनेस ऑफ हार्ट तरह तरह का विचार में आएगा, आ सकता है। वो कैसे? फालतू चीज का बारे में आ सकती, तुच्छा सकती, छोटा जो कुछ नहीं है इसमें आ सकती बन के रखा है, तुच्छा सकती, कुटी नाटी मतलब ये मामूली चीज है। तुच्छा सकती माने मामूली आसक्ति है जिसमें बिल्कुल उचित नहीं है। कुटी नाटी मतलब एक उदाहरण दे दे, जैसे एक व्यक्ति 2 बजे का बाद, ब्रह्मचारी 2 बजे का बाद सेवा करने का बाद 2 बजे का बाद उसा देने आया और पुजारी को डांटना शुरू कर दिया, मेरा परमान कहा गया है, भोगों के परमान लूट लिया क्यों नहीं है, ये तुच्छो ये जो कुटी नाटी है, कुटी नाटी है छोटा मोटा चीज। किसी ने किस विषय पर चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक आदमी सोचा कि मेरा बारे में चर्चा कर रहे कुटी नाटी विषय, मास्टर जो है अरे ये संत मां ये जो है ये बड़ा तरक्की कर लिया, इसको मारना पड़ेगा। मास्टर जो जैसे हरिदास ठाकुर का ऊपर मास्टर जो हो गया रामचंद्र खान का, इन्होंने एक विश्वा को भेजकर इसका रिप्यूटेशन सुनाम का बदनामी करना चाहा मास्टर जो, तो तुच्छा शक्ति कुटिनाती मास्टर जो ये जो है किसने तरो विषय कृष्णो सेवा में जो लगता ही नहीं, माने हमारा विचार से अगर कृष्णो सेवा में लगाया जाए तो लग सकता है, कृष्णे तो अब ऐसा भी चीज है कृष्णो सेवा में लगेगा ही नहीं, जैसे दारू भगवान के कैसे लगेगा। तो हर आदमी गुरु वैष्णव चाहता है कि हर वस्तु और व्यक्ति को कृष्ण सेवा में लगाए, तो दारू को भी कृष्ण सेवा में लगाया कैसे जाए, कैसे लगाया जाए, जो एक व्यक्ति है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके द्वारा वो पियाक्का है पीना चाहता है, तो इसको थोड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंस पोस्ट में है, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट हुआ या कुछ भी हो, इसको थोड़ा भेंट देके हमारा अपना काम को पटा ले, दारू खिला के किसी पियाक्का को का कोई अच्छा भगवान के लिए कुछ फायदादायक काम भी करा ले, दारू भेंट दे दिया, तो दारू को भी सेवा में लगाया जाए तो ऐसे चालाकी करके, आई बात समझ में, दारू को भी लगाया जाए बहुत सर हर चीज। तो ये जो है कृष्ण तरह विषय में आसक्ति ये कुटीनाटी है। परद्रोह प्रतिष्ठाशा इच्छा कृष्ण तरह विषय में आसक्ति, कृष्णेतर विषय में आसक्ति कुटीनाटी परद्रोह प्रतिष्ठा चार किस्म का, कृष्णेतर में कृष्ण सेवा में लगता नहीं ऐसा विषय को ऊपर आसक्ति, कृष्णेतर विषय में आसक्ति कुटीनाटी छोटा मोटा हमने बोला, परद्रोह जो है माश्चर्य परद्रोह, माश्चर्य से बढ़कर भयंकर कुछ नहीं होता माश्चर्य, और स्वप्रतिष्ठा अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपना थोड़ा सा प्रतिष्ठा के लिए गुरु वैष्णव को मारो काटो उड़ा दो मंदिर से हटा दो कुछ भी करो, संप्रदाय को बिक्री कर दो, संप्रदाय का वाणी वैभव बिक्री कर दो, ये अपना स्वप्रतिष्ठा के लिए ये है अनर्थ है। तो कृष्ण तर विषय में आसक्ति कुटीनाटी परद्रोह दूसरे के ऊपर द्रोह माश्चर्य की स्वप्रतिष्ठा इच्छा हार्ट का हृदय का वीकनेस हृदय दुर्बल्य बोल के शास्त्रों में बताया गया है। अभी शास्त्रों में ऐसा बताया गया है
जब तक ये अनर्थ राशि ना जाए तब तक शुद्ध नाम करना मुश्किल है, बाकी ही असंभव है। मैंने कई बार बताया, प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, अनर्थ राशि जाना चाहिए। अभी काल ये चर्चा आया जी, ऐसे कैसे संभव है कि अजामिल तो बहुत सारे घटिया काम किया, पाप राशि, अनगिनत पाप, अब वेश्या का साथ संसार चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। इतने में एक दिन अजामिल ध्यान नहीं दिया, अजामिल का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आने से अजामिल क्या किया, अपना लड़का का ही नाम, अपना लड़का का ही नाम नारायण रखा था। बड़ा कहानी है पीछे, और ये नाम को लेकर अजामिल ने डर के मारे चिल्लाया, बच्चा थोड़ी दूरी में खेल रहे थे, और इन्होंने जब जमदूत आए, जब जमदूत आ पहुंचे इसको खींच के ले जाने के लिए, ये देख के इसको डर के मारे ये नारायण नाम बोल दिया, नारायण नाम को बोल दिया। बड़ा अद्भुत है, नाम बोलने का साथ साथ जमदूत का पीछे पीछे तुरंत आ गया विष्णुदूत। जमदूत तीन आए थे, क्योंकि काय मन और वाक्यों के द्वारा, काय मन और वाक्यों के द्वारा मानुष पाप करता है, इसलिए तीन जमदूत आए। और नारायण ये चार अक्षर हैं, इसलिए नियम है चार विष्णुदूत आ पहुंचे, और आपस में चर्चा चल रहा है, क्यों बोले जमदूत को हटाकर विष्णुदूत ये अजामिल को बचाना चाह, इसलिए आपस में चर्चा हो रहा है। जमदूत और अजामिल पाप, जमदूत लोग अजामिल का पाप का बारे में कह रहा है, ये अनगिनत पाप किया है, तो इसको महाराज जी का पास, जमराज जी का पास इसको ले जाने के लिए आया हूं। लेकिन विष्णुदूत ने उत्तर दी, जब ये चिल्लाया नारायण बोल के, अंतकाल में व्याकुल होकर नारायण नारायण बोल के जो चिल्लाया, वही नारायण नाम का जो महिमा है अतुलनीय में, अनपैरल लाजवाब, ये महिमा के द्वारा इनके जिंदगी का हर पाप हट गया। उस दिन चर्चा किया था, याद है, कोटि अश्वमेध समो एक कृष्ण नाम जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे। जो व्यक्ति करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के साथ एक कृष्ण नाम का तुलना करे, ये भी महा अपराधी है, पाखंडी है। इसको जमराज का दरवाजे में इसको ले जाना चाहिए, उसको पानिशमेंट मिलेगा। और एक श्लोक बताया परशु, नामनो उस्ति जावती शक्ति ही पापो निर्हर ने हरे तावत कर्तुम न सकनती पातकम पातकी जना। नामनो उस्ति, नाम का इतना पावर है, नामनो उस्ति जावती शक्ति, तमाम दुनिया का शक्ति, सर्वशक्ति नामे दिलो कोरिया विभाग, अमार दुर्दैव नामे नानू नहीं अनुराग है ना, महाप्रभु का शिक्षाष्टक में है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्ता पिता नियमित स्मरणेन कालो एतदिशित अवगिवा भगवान ममापि दुर्दैव में दिश म्याजुनि नानुराग, ये व्याख्या है, आप जानते हो। नामनो अस्ति यावती शक्ति ही पापो निर्हरणे हरे
त्वावत कर्तुम न सकनति पातकम पातकी जन, इतना पाप कर ही नहीं सकते। तो अजामिल अनगिनत पाप करे ठीक है, लेकिन जब नाम उच्चारण की नारायण तब तो इसका प्रायश्चित तो हो गया, इसको हो गया। नाम महिमा का इतना प्रभाव है जो जमराज का इसका ऊपर आर अधिकार नहीं है, क्योंकि नाम कह चुका। ऐसा करके आपस में चर्चा हो रहा था, और ये जो नाम का महिमा का बारे में अजामिल का हालत ऐसा है, वो मौत का दरवाजे में है, और आपस में जो चर्चा हो रहा था नाम का महिमा का बारे में, ये सत्संग इसका हो गया। आई बात समझ में? ये जो विष्णु दूत का जो चर्चा नाम का महिमा, ये सुनने को मिला, क्योंकि जमदूत आया जरूर लेकिन पकड़ नहीं सका, विष्णु दूतों ने रोक दिया, रोक दिया। तो आपस में जो चर्चा नाम का महिमा का बारे में है, ये चर्चा सत्संग बनकर यह जगति सज्जन संग तिरेका भवती भवार्णव तरणे नौका हो गया। तुरंत ये सत्संग का कारण इसका रास्ता खोल गया। ये जो विषय है अजामिल महापातक की, ये सब कोई जानते हैं। अजामिल महापातक की होने से भी मरने का समय पे आसन्न मृत्यु काल में भवबंधन मोचन करने वाले भगवान का नाम ग्रहण किया है, इनके समस्त पाप जो भग गया, ये बात जम दूतों को समझाने के लिए विष्णु दूत बहुत सारे प्रयास प्रचेष्टा किया, और सी भगवान नाम का महिमा का भी कीर्तन करके दिखाए। ये महाराज देखो, आप कह रहे हो कि पापी, ठीक है पापी मानता हूं, लेकिन भगवान नाम का महिमा कीर्तन करके दिखाया। कौन? विष्णु दूतों ने दिखाया महत्व न। और एवं नामाभास में अजामिल का मुक्ति वर्णन करने का पहले नाम और नामी एवं भगवान, वो भगवान नाम का अभिन्नता संबंधे, नाम नामी अभिन्न है, जो नाम है वही नामी है, इस बारे में थोड़ा चर्चा जरूरी है। भगवान नाम को मेटेरियल आदमी, जड़ जगत का आदमी सोचता है कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिलेबल, कुछ थोड़े अक्षर को लेकर ये बनाया, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं है। नाम कोई दो एक अक्षर नहीं है, लेकिन ये अपरागित है, नाम का महिमा अपार। सो जगत में जितना सारे पदार्थ है, मैटर है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई विशेष नाम का जरूरी है। जो पानी का नाम हम लोग कहते हैं कि जल पानी, राशि का आदमी बाधा बोलेगा ना, अलग अलग आदमी एक एक भाषा परिभाषा दे बोलेगा, लेकिन अपरागिक जगत का जो नाम है, अनामी है, इसमें फर्क नहीं है। मैंने ये बात पहले ही चर्चा कर चुका है। इस जगत में जितना सारे नाम है, बाच्यो बाचक में कोई लेना देना नहीं है। पानी पानी बोलने से हमारा प्यास नहीं बुझेगा नहीं। पानी पानी चिल्लाने से क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपराकित जगत का जो नाम है, इसका बारे में अगर
सोचो तो भगवान, भगवान का परिकर वैशिष्ट, भगवान का धाम, सारे अपराकृत नाम का उच्चारण हो जाए तो वो वस्तु स्वयं उपस्थित है, वस्तु स्वयं उपस्थित है। कृष्ण विष्णु राम नारायण हरि वामन निशिंगो गोविंदो निशिंगो सब ये शक्तिमत पदार्थ, शक्तिमान परमेश्वर से अपृथक, नॉन डिफरेंट फ्रॉम भगवान, ये तमाम शास्त्रों का विचार है। लेकिन अगर हम पानी पानी बोल के चिल्लाए तो पानी नहीं मिलता, चीनी चीनी दो, चीनी चीनी देने से, चीनी का नाम उच्चारण करने से मुंह में मीठा भाव आ नहीं सकता, राम राम बोलने से। सो राम राम बोलने से जीवों का उद्धार हो जाता है, सर्वजनों हर आदमी जानता है। अजामिल का इतना सारे जीवन जिंदगी का, सुबह में उठना, गायत्री जप करना, फल फूल लाना, पूजा करना, सारे बचा नहीं सका। एक हरिनामी है, एक हरिनामी अजामिल ने किया था पहले, बहुत पहले, जब पहले जिंदगी में ये सब किया है, भगवान का पूजन, फल फूल तुलसी देखे सब किया, सब कुछ किया, लेकिन ये अजामिल को बचाने के लिए दैट वॉज नॉट सफिशियंट। शक्ति शक्तिमत अभिन्न, इसीलिए एक भगवान का नामाभास के द्वारा अजामिल का मुक्ति हो गया। भगवान नाम, भगवान का नाम का जो स्वरूप है, इसमें जो धर्मो शक्ति विद्वान है, नाम का अंदर में वो ही है। अर्थात भगवान में जो शक्ति है, भगवान का नाम में भी वही है। जैसे राम नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बलराम हो और दशरथी राम हो, एक राम नाम लिखकर एक एक पत्थर में जय श्री राम हनुमान जी महाराज पानी में फेंका प्रबल विश्वास के साथ, तो ये राम नाम लिखित वो पत्थर पानी में तैरने लगे। जब ही आगे चलकर ये जो आपका ब्रिज पुल निर्माण किया, ये श्रीलंका तक, श्री रामेश्वरम से श्रीलंका तक का एक ब्रिज निर्माण की, तो भगवान का स्वरूप में जो धर्म है शक्ति, भगवान का नाम में भी वही शक्ति है। श्री नाम और नामी अभिन्न होने से तो फिर नाम नामी अभिन्न तत्व नहीं होने से अब गड़बड़ी हो जाएगा। अगर अभिन्न नहीं है तो उल्टा अभिन्न है बोलकर हम लोग का इतना ताकत मिलता है नाम के द्वारा। नामावास से मुक्ति है सर्वशास्त्र देखी श्रीमद भागवते तार अजामिल साखी। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिखा है, नामाभास के द्वारा मुक्ति तक हो जाता है, सर्वशास्त्र में हमने देखा है, श्री भागवते तार अजामिल साखी। भागवत जी महापुराण में अजामिल अजामिल है, यही साक्षी है। नामाभास से मुक्ति सर्व हर शास्त्र में बोला है, लेकिन भगवत जी महापुराण महाप्रभु माना है सबसे पावरफुल एविडेंस। दूसरा प्रमाण भी है, लेकिन महाप्रभु जी ने भगवत जी को बोला अमल प्रमाण, प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान, और श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्राधर न, इससे बढ़कर कोई महाप्रभु जी ने माना। तो नामाभास से मुक्ति हर शास्त्र में है, और भागवत में अगर है तो ये तो मानना ही, क्योंकि भागवत तो अमल प्रमाण है, भागवत तो है भागवत में। नामाभास से मुक्ति है सर्वशास्त्र देखी श्री भागवते तार अजामिल साक्षी, अजामिल साक्षी है। सो कौमुत्तिक न्याय के द्वारा से नाम महत्व वर्णना करना कर, नामाभास से अजामिल का उद्धार का कहानी सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया।
जो भी है, अब कैसे ये हुआ इसका बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पहले बताया गया कि जमदूत मरने का समय में अजामिल को जमालय में लेने के लिए आया प्रयासी, विष्णुदूत अचानक वहां पहुंच के उसको बाधा दिया और थोड़ा बातचीत होने का बाद जमदूत को बोलना शुरू कर दिया। माध्यमत पर जमदूत गण के बोला अजामिल को जमदूतों को बताया अजामिल को और ले मत जाओ, मत ले जाओ, क्यों ये समस्त पाप का प्रायश्चित इधर कर चुका, क्योंकि ये आसन्न मौत का घड़ी पे मरने का समय भयभीत होकर चिल्ला चिल्ला अप्लुतो उदात्तो स्वरे नारायण बोल के नारायण ईश्वर अतः अपना पुत्र को ही डाका। ये जो आकुल आकुल आह्वान है बुलाना भगवान का नाम का, ये चार अक्षर जो है नाम का चार अक्षर सम्मुख उच्चारित हुआ। नामेर नाम का आभास का साथ साथ समस्त पाप दूरीभूत हो गए। विष्णु दूतों ने ये समझाया। अब ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है जे श्री हरि का नाम गुण वैध हो, हरि का नाम गुण के द्वारा वैध कर्मों का अंग हीनता, जैसे यज्ञ रुक गया था ना अजामिल, या क्या नाम है उसका, यज्ञ रुक गया था, यज्ञ को पुनर्प्रतिष्ठित किया बलि महाराज के बारे में देखो तो, बलि महाराज का इसी स्कंद में है नाम का महिमा का बारे में बहुत सारे भगवान का नाम, तो अजामिल का ये नाम का महिमा वहाँ आपका बलि महाराज जी का बारे में, और बलि महाराज का गुरु जी ये जो आपका शुक्राचार्य ये भी बोला ये मंत्र का तंत्र का किसी चीज का कुछ पूरा नहीं हो पाया कुछ हुआ तो इसमें भगवान नाम करो तो पूर्ति हो जाता है। सो ये जो अपना पुत्र का नाम बोल के बुलाया या व्याकुल आह्वान भगवान नाम चार अक्षर उच्चारण किया सोमसभा। एक अभी प्रश्न होता है श्री हरि का नाम गुण हम लोग जानते हैं वैध कर्मों का अंगहीन तो दोष नष्ट कर सकता है, अर्थात कोई जाग जोगो व किसी क्रियाक्रम पूरा नहीं हो पाया कुछ खराब हो गया बीच में रुकावट पैदा हुआ अंगहीनता तो दोष भगवान का नाम में होता ही है। श्री हरि का नाम गुण में वैध कर्म का अंगहीनता जनित दोष नष्ट हो सके ये सच्चा बात है। शास्त्रों का विधि का अनुसार कर्म करके पूर्ण फल लाभ करने का पक्ष में भगवान का नाम अति उत्तम सहाय है। कारण शास्त्र में है जस्वस्मृत्वा च नामोक्ता तपोयोग्य क्रियादिषु नूनम संपूर्णतम जाति शब्दो वंदे तम अच्युतम। ओ अच्युतो भगवान मैं तुम्ही को ही कह रहा हूं, तुम इतना पूर्ण वस्तु है, इतना मधुमय है, इतना अमृतमय है, जो कभी अगर कुछ गलती होगी या जस्सो स्मृत्वा भगवान को स्मरण करने से, जिसका नाम शरण करने से जस्सो स्मृत्वा च नामोक्ता तपोयोग्य क्रियादिषु नूनम संपूर्णतम जाति। निश्चित रूप में ये कोई खोटा भी है कि दोष भी है लेकिन पूरा पूर्ति हो जाता। नूनम संपूर्णतम जाति शब्दो वंदे तम अच्युतम। वो अच्युतो परात्पर अखिलेश्वर भगवान गोविंदो तुमको मैं, तुम्हारा नाम क्या ऐसा महिमा है।
जिनके नाम स्मरण कीर्तन से द्वारा तपस्या यज्ञ आदि कार्य में अगर कोई गलती भी हुआ होगा तुरंत ये संशोधित रेक्टिफिकेशन हो जाता है भगवान नाम का महिमा। हम लोग भी देखा है मंदिर में गुरु जी का यह आदेश है, गुरु जी का यह आदेश था। अगर नृसिंह चतुर्थी का पहला दिन मंदिर प्रतिष्ठा का दिन जो भी यज्ञ भग हो ये यज्ञों का समय में नियम था शुद्ध भक्तों लोग चारों ओर बैठ के हरिनाम करे। यज्ञ यज्ञ हो, यज्ञ हो रहा है ठीक है होने दो, यज्ञ तो हो रहा है ठीक है होने दो, लेकिन नाम संकीर्तन अलग से कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस नाम चल। ये गुरु जी का नियम था। क्यों बोले यज्ञ के अंदर में अगर कोई डिफेक्ट हो, कौन जाने कोई वस्तु का डिफेक्ट हो, व्यक्ति का, समय काल का, मंत्र का उच्चार हो सकता, तो ये सारे भगवान का नाम उच्चारण के साथ साथ ऐसा पूर्ति हो सकता है। इसी विचार को लेकर गुरुजी हर वक्त मंदिर में यज्ञ आगे हो तो होने दो, लेकिन बगल में हर भक्तों लोग कीर्तन करें। अभी ये क्वेश्चन आता है ठीक है, लेकिन अजामिल तो जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं, पहले का बात छोड़ो, अजामिल अपना जिंदगी में कोई कर्म नहीं किया तो फिर किसके लिए इनके असंख्य अनगिनत पाप राशियों को क्षमा किया जा सकता, कैसे? अजामिल तो कभी अच्छा बोई दो मैंने वेद भित्तिक कोई कर्म किया नहीं, तो फिर किस लिए इसका असंख्य अनगिनत पापों को क्षमा किया जा सकता। इसका समाधान क्या है, सामंजस्य? इसका उत्तर देने गया तो विष्णु दूतों ने बोला अयम ही कृतो निर्वेशो इत्यादि, ये श्लोक जो बताया, अर्थात तात्पर्य ये है जे ये पापक्षय करने के लिए श्री भगवान का नाम ही एकमात्र साधन शक्ति है, पापों को नाश करने के लिए भगवान का नाम का अंदर में जो शक्ति है उतना शक्ति किसी के नहीं, उतना शक्ति किसी में नहीं है, चाहे प्राश्चित करो कुछ करो किसी में नहीं है। भगवान का नाम में जितना शक्ति है, ये प्रश्नों परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया था, दृष्टो श्रोताभ्याम यत पापम जनन ओपि आत्मन अहितम करोति भूयो विवशः प्राश्चित्त मथो कथम। प्राश्चित्त कैसे हो सकता महाराज, क्योंकि दृष्टि श्रुता दृष्टो श्रुताभ्याम आंखें कान त्वचा श्रुता, जब जो पाप आदमी लोग अथवा जीवात्मा जानते हुए भी पापन जनन ओपि आत्मन अहित, आप अपना लिए हितकर नहीं है, अहितकर है। दृष्टो श्रोताभ्याम जत पापम जानन ओपी आत्मन अहित, तो अपने लिए सर्वनाश का कारण हो सकता, ये समझने का बावजूद करोति भूयो विवशः, ये समझने का बावजूद अनजाने में पाप कर बैठता, वह अनजाने में इच्छा नहीं, अनजाने में मतलब इसका इंटेंशन ठीक लेकिन फिर करने के लिए मजबूर हो गया, विवशः। जो क्वेश्चन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गीता में पूछे थे ना, अथो केनो प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः, अथो केनो प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्न विवर्षे बलादिव नियत, इच्छा नहीं है बिल्कुल इच्छा नहीं है फिर भी कौन न जाने जो जबस्थिति ये पाप करवा देते हैं, वो कौन है? अथो केनो प्रयुक्त, केनो किसके द्वारा प्रेरित होके ऐसा हो जाता है, अथो केनो प्रयुक्त केनो, अथो केनो प्रयुक्त अयम पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्नोपि वर्षे और बलादिव नियोजित, इच्छा नहीं जोर जोर से लगाते, कौन है? इसका उत्तर दिया परीक्षित महाराज को ये क्वेश्चन का, क्यों परीक्षित महाराज ने बोला
drishto srutabhyam yat papam janan upi atmanahitam karoti bhuyo vivashaha prashchitto athoka prashchitto kaise ho sakta kachit nivartate avadrat kachit charitat punah kabhi amangal kriya karam se dur rehta hai kabhi phir kar leta hai are chodo koi baat nahi kachit nivartate avadrat kachit charitat punah kabhi अमंगल से दूरी रहता है अब कभी कर बैठता है प्रायश्चित्तमथो अपार्थम मन्य कुंजरस प्रायश्चित तो हमने सोचा कि ये तो बेकारी है क्योंकि प्रायश्चित तो कैसे करे क्योंकि पाप का जो जड़ से तो उखाता नहीं प्रायश्चित्तम प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम मन्य अपार्थ मन्य इम्प्रैक्टिकल लगता है। इसके बाद उत्तर दिया जे राजन हरि भजन करने वाले कृष्ण भक्तों को कोई अगर सेवा करे इसका हृदय पवित्र हो जाता है। क्यों बोला उत्तर न तथा ही अगवन राजन प्रिय तो तपवादि भी तपस्या आदि के द्वारा आदमी उतना पवित्र नहीं हो पाते न तथा ही अगवान राजन प्रिय तो तपवादि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष ने कृष्ण चरण में जो तन मन धन सब डाल दिया ऐसा मापिक यथा कृष्णार्पित प्राण कृष्णार्पित प्राण मतलब निष्किंचन अकिंचन भगवान छोड़ के कुछ है ही नहीं मतलब भगवान का नाम छोड़ के कुछ एक ही बात है भगवान को प्यार किया नाम नहीं किया हो ही नहीं सकता अकिंचन भक्त ये नहीं यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष ने मतलब जिन्होंने नाम का आश्रय लिया साधु का आश्रय लिया मतलब क्या साधु का साथ तो नाम ही होता है ना भगवान का नाम होता है ना तो साधु का पास आश्रय लेना मतलब नाम का सहारा ही लेना एक ही बात है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी क्षमा नहीं की किसी ने अगर पूछा एक लाख नाम कैसे करें नाम नहीं हो रहा है समय नहीं है प्रभुपाद रात को अब क्या करता है मतलब एक लाख नाम करना चाहिए करना ही पड़ेगा कोई छुटकारा है नहीं न तथा ही अगवान राजन प्रिय तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया कृष्ण चरण में अर्पित तन मन जीवन कृष्ण चरण में सब दे दिया ऐसा मापी कोई साधु का अगर सेवा करे तो हृदय जल्दी निर्मल हो जाता है। क्यों एक नामाश्रय भक्त है बाकी जो नारायण विमुख है भगवत विमुख है जो भगवत विमुख है इनको तो खैर छोड़ो कुछ भी करो ये पवित्र नहीं कर सकता। जो भगवत विमुख है भगवान का विमुख है इनको आप कुछ भी कराओ राष्ट्रीय जोग्रह कराओ ये अश्वमेध कुछ भी कराओ इसका पवित्रता नहीं होता। इसलिए देखो नाम और नामी भगवान का कितना महिमा प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायणो परान्मुखाम न निष्पुनन्ति राजेन्द्रो सुराकुंभ मिवापग जैसे दारू का पात्रो पवित्र कभी नहीं होता ऐसे ही प्रायश्चित तो किछ भी करे कैसे भी करे कैसे भी करे प्रायश्चित लेकिन नारायण विमुख भगवत विमुख जो है भगवत विमुख जो है ये कभी भगवत विमुख जो है ये कभी पवित्र इसको नहीं बनाया बनाया नहीं जा सकता। तो ये जो है बात है हमने बताया अभी ओ अच्युतों को वंदना करे जिसका नाम स्मरण मात्रेण कोई भी डिफेक्ट्स है खोट प्रॉब्लम है ठीक खोटा है जो हमने बताया जस्सो श्रित्वा च नामोक्ता तपोयज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णताम जाति शब्दो वंदे त्वम अच्युतम ओ बन ओ अच्युत को मैं वंदना करे जिसका नाम लेने से स्मरण करने से ही जितना सारे रुकावट है और कुछ गलती हो गया डिफेक्ट्स है सारे खत्म हो जाता है। जिनके नाम स्मरण और कीर्तन से तपस्या यज्ञ आदि कृति हर भगत तुरंत
समाधान हो जाता है, संशोधन हो जाता है, ये हरि को मैं वंदना करता हूँ। किंतु अजामिल तो कभी कोई वैध कर्मों अच्छा कर्म नहीं किया, तो किसी ने इसका अनगिनत पापे क्षमा किया किया जा सकता है। इसका समाधान के लिए बोला अयम ही कृतो निर्वेशो इत्यादि। तात्पर्य यह है पाप क्षय करने के लिए भगवान का नाम का इतना ही पावर है। अयम ही कृतो निर्वेशो, अयम ही कृतो निर्वेशो, ये कहने का कुछ नहीं, इसका नाम भगवान का नाम पे ही ऐसा पावर है। अयम ही कृतो निर्वेशो जन्म कट्या अंगहसाम ओपी, जब व्याजुहार विबोसो नाम सस्तायनम हरे। क्या बताया, अयम ये अजामिल है, अयम ही ना ये हरिनाम, ये जो नाम है अजामिल जो विवश होकर जो नाम किया है, ये भी भगवान का नाम का ही शक्ति का विवश होकर नाम किया। अतएव ये अगर करोड़ों जन्म का पाप भी किया है, ये अवश्य इस प्रायश्चित तो हो गया, अजामिल जो अवश्य हो गया। अयम ही अर्थात ये जो अजामिल है, अयम ही कृतो निर्वेशो, इसका प्रायश्चित तो हो गया। अयम ही कृतो निर्वेशो जन्म कट्या अंगहसाम ओपी, कड़ी कर करोड़ों करोड़ जन्म का अगर पाप है भी, ये जला दिया सब। कैसे, बैजो हारो विभोसो नाम सस्तायन हरे, विवश होकर जो नाम किया। तो इसके द्वारा विष्णुदूत बार बार प्रमाण करना चाहा अयम ही कृतन इत्यादि श्लोक है। तात्पर्य ये है जे पापक्षय करने के लिए भगवान का नाम में ही ऐसा एक स्वाधीन शक्ति है, ये किसी का अपेक्षा किए बिना, इन्होंने शुभ कर्म किया नहीं अतः नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा स्वाधीन शक्ति है, वो कुछ किया नहीं ये अपेक्षा नहीं करके, स्वाधीन अपना शक्ति है। इसमें वैध कर्मादि दूर की बात है, चित्त में सुस्तता अर्थात ये कुछ कुछ इसका सुस्तता है कि नहीं, मंगल अमंगल हृदय में कुछ अनर्थ किया कि नहीं, से नहीं तो अवश्य नापी, ये अवश्य में अगर नाम किया भी है, अवश्य नापी जन नामनी कृत्वये सर्व पातुकी पुमान मुच्चते शद्दो है सिंहो सिंगोस सिंगोस सिंगो त्रस्तोई मृगोई रिवो। जैसे एक लायन सिंह आया जंगल में, डर के मारे सारे हिरण सब दौड़ता है, सिंह दर्शन करने से हिरण जैसे, ऐसे ही से नाम यदि से नाम अगर समझे और बिना समझे किसी भी हालत से अगर नाम मुंह में जवान पे आ गया, तब ये नाम कर्ता का पाप राशि अपने आप नाश हो जाते, भागते हैं। इसका लिए बताया ना, नाम नोस्ति यवती शक्ति प्राप निर्हरणे हरे, ये सब बताए। सी हरिनाम में जो जिस परिमाण ताकत है अनंत भगवान नाम में, तो तमाम जिंदगी में भी इतना पाप करने का भी हिम्मत नहीं। ऐसे असंख्य शास्त्र प्रमाण के द्वारा भगवान नाम के द्वारा पापी का पापक क्षय के बारे में देखा जाता है। अतः स्त्री हत्या गोहत्या ब्रह्म हत्या चौर्जो शूरापान गुरुपत्नी गमन मित्रद्रोह कई प्रकार का जितना सारे पाप है, उत्कट भयंकर पाप, ये सारे पाप एकमात्र भगवान का नाम उच्चारण में प्रायश्चित हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम पुकार कर, भगवान का नाम बोलकर पुकारने से भगवान का उसका ऊपर एक प्रीति हो जाता है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि
क्योंकि वेदार्थी महर्षिगण जो वेदार्थवादी जितना सारे ऋषि मुनि सब है, ये प्राश्चित्व का अपेक्षा नाम का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करके ये वेदार्थीवादी ऋषिगण ऋषिगणों के द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्तादि अपेक्षा नाम का महिमा ज्यादा है करके विष्णुदूतगण और भी जाते और भी कुछ बातें बताएं। श्री भगवान नाम उच्चारण में पापीगण जैसे विशुद्ध लाभ होता है, वेदार्थवादी मनु प्रभृति ऋषिगण के द्वारा बताया गया चंद्रायन पराग इत्यादि व्रतो ये प्रायश्चित तो इसमें होता ही नहीं, वास्तविक रूप से प्रायश्चित तो होता नहीं। क्यों? प्रायश्चित के द्वारा पाप तो चला जाता है, चंद्रायन व्रतो दिस दैट ये तो जाता है, लेकिन पाप जड़ से नहीं उखाड़ता है, उखाड़ा जाता है। तो इसीलिए बाद में भी अमंगल हो सकता है, पाप बाद में भी, पाप हट गया ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाप का जड़ से हटा नहीं पाप, बाद में पाप फिर से आ सकता है वापस। प्रायश्चित्त का बाद भी मन पापों का ओर भाग सकता है, इस पे कोई गारंटी नहीं है। इंदु महाराज जी ने ये जो इंदु महाराज जी ने जो पाप किया है, अपराध किया है, पाप किया है, इसको हटाने के लिए कितना सारे व्यवस्था अश्वमेध आदि बंटवारा सब हम अंग्रेजी कथा में बताए दो दिनों में, लेकिन फिर भी देखो जब कृष्ण स्वयं आए द्वापर युग में तो इंदु महाराज जी भगवान कृष्ण का ऊपर ब्रजवासी के ऊपर गुस्सा हो गया, क्यों अपना पूजा बंद करवा दिया, गोवर्धन पूजा करवाया ये भी हो गया ठीक है चलो। इसका बाद देखो जब द्वारिका में गया, जब अपना पत्नी का ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उठाने गए तो मारामारी हो गया, मारामारी हो गया ना, वही तो इंद्र, इंद्र तो वही है, फिर से भगवान का साथ लड़ाई कर दिया। बहुत सारे ऐसा है, ऐसा घटना है। तो प्रायश्चित्त का ये जो विषय है, प्रायश्चित्त के द्वारा पाप तो खत्म हो जाता है, लेकिन पाप जड़ से खत्म नहीं होने के कारण चित्त शुद्धि परफेक्टली होना संभव नहीं। इसलिए प्रायश्चित्त का बाद भी आदमी पापों का ओर दौड़ता है। इस सिलसिले में अगर बताएं जड़ जगत का जितना सारे आदमी है जिन्होंने पैसा लूट किया, मंत्री आदि जो भी किया, चोरी किया, कुछ किया, उसको जेल में डालने से क्या हो सकता, जेल में डाल दिया ठीक है, जेल में डाल दिया तो जेल में डालने से क्या उसका मन का संशोधन तो पूरी रूप से हो नहीं पाएगा, पनिशमेंट दे दिया, ये तो समाधान नहीं है। जेल में जो डाल दिया वो निकाल के फिर चोरी कर सकता, तो इसका कोई तो वैल्यू क्या है। तो अंतर से साधुगुरु वैष्णव का कांटेक्ट में जैसे महापापी वैद्य जो है, ये महापापी वैद्य जो है ये नारद जी का संग के कारण अगर पूरा बदल गया तो इसका महिमा ज्यादा है। जेल खाने में डालने से क्या होगा, छून खून किया, पैसा लूट किया, ठीक है जेल में डालो, कुछ तो समाधान नहीं है ना, समाधान कुछ नहीं, ये और निकल के और करेगा। लेकिन गुरु वैष्णव का पास जो समाधान है, हरिनाम का सहारा लेके अगर करो तो ये पक्का समाधान है।
जैसे हमने अजामिल का बारे में तो अभी कह रहे हैं, पहले ये जो वैद है दुष्ट हिंस्र हिंसुक बड़ा हार्टलेस बैठ का वैद का जिंदगी परिवर्तन हो गया, इस शिकारी का हो गया पूरा, वेश्या का ये जो लक्ष्य हीरा वेश्या का परिवर्तन हो गया पूरा, संत महात्मा का सामने हो सकता है, ये हो सकता है। नाम ग्रहण में पाप खाए ओ शोभन कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति अंग जाजन करते करते पाप का जो सूक्ष्म संस्कार है आई मीन द रूट कॉज ये भी विनष्ट होके चित्त शुद्धि हो जाता, विशुद्ध हो जाता चित्त शुद्धि। जैसे हमने पहले ही बताया जे सुबुद्धि राय को करवा का पानी पिलाने का व्यवस्था किया मुस्लिम राजा ने, बाद में मरने का चक्कर में आ गया था, बहुत लोगों को पूछा महाराज बताओ क्या समाधान है, किसी ने बताया आग में छलंग लगाओ, किसी ने बोला है गरम घी, घी को गरम करो और पी जाओ पर कम मरो अक्का समाधान। लेकिन महाप्रभु जी ने बताया आप एक काम करो निरंतर कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम के द्वारा आपका चित्त शुद्धि हो जाए। नाम नामकारी बहुत निज सर्वत्र नियमित स्मरण कालो ये तदिशित के भगवान महापी दुद्धिशम मियाजनी नाम हरेर गुणानुवाद खलु सत्व भावना, एकमात्र भगवान का नाम ही चित्त शोधन कर सकता है, बाकी कुछ व्यवस्था जो जगत में है सब बेकार है। जैसे कि एक घर पिछले 50 साल से अंधेरा है, लेकिन 50 साल से अंधेरा है इसका मतलब नहीं 50 साल लगेगा कि वो उजाला बनाने में, अंधकार घर में प्रदीप रोशनी जलने से अंधेरा दुर्विध हो जाता है, दीप जला के रखने से अंधेरा का पुनः आविर्भाव होना संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने इसका बारे में बताया देहरी देह शरीर का जो जीव है इसमें हर वक्त नाम हम पकड़ के रखेंगे और सब हो जाएगा, अंधकार का पुनर्आविर्भाव होना संभव नहीं, इसीलिए नाम ग्रहण में पापी का तमाम पाप नष्ट हो जाता है और श्रवण कीर्तन आदि करते करते पाप का सूक्ष्म संस्कार तक खत्म होके भक्ति लाभ होता है, भक्ति लाभ होता है। और भक्ति लाभ करने के बाद सेवा करने का प्रवृत्ति, और सेवा करते करते अब अमंगल का कोई रास्ता ही नहीं है। महांति ओपी पापानी शकित उच्चोरीते नहीं वो नामना नश्यन्ति, श्रीधर साईं पाद जी ने लिखा है। नाम उच्चारण के साथ साथ हो जाता है, उसके साथ क्या होता है अधिकंतु से नाम नामोच्चारण में पुण्य कृति भगवान का अशेष गुण राशि नाम गुण कारी का अंतर में क्रमशः उपलब्धि करा देता है, भक्ति का बीज अंकुरोद्गम करा देता है। ये पहला नाम में हो जाता है नाश, उसका बाद बाकी नाम कीर्तन करते करते भगवान का अनंत गुण राशि का कीर्तन नाम ग्रहण करते करते हृदय में उपलब्धि आ जाता है और चित्त में भक्ति का अंकुरोद्गम हो जाता है। सो अजामिल वर्तमान जिंदगी में जो पाप तो तुच्छ चीज है, करोड़ों करोड़ जन्मों में अगर अजामिल पाप किया है फिर भी भगवान का नाम उच्चारण में भस्म तो जल के खाक हो जाता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है अजामिल तो आज नारायण बोल के बुलाया है अपना लड़का को, लेकिन पहले क्या नहीं बुलाया था?
जब आपका लड़का अपना लड़का का नाम नारायणी रखा है तो पहले भी तो बुलाया होगा, तो आज क्या क्या नया बात हो गया महाराज? इसमें एक शंका हो सकता है, अजामिल जब पुत्र का अपना पुत्र का नाम रखा था नारायण, तब तब इनके मन में कोई दुर कोई धर्म बुद्धि व भगवत बुद्धि नहीं रहा। ध्यान दे बात पर, जब अजामिल ने उसको नारायण नाम रखा था, क्या तब से ये पाप कर्म छोड़ दिया था क्या? आई बात समझ में? अपना लड़का का छोटा लड़का का नाम नारायण रखा था, क्या नारायण नारायण तो बुलाया था, बहुत बार बुलाया हुआ, लेकिन क्या अजामिल ने तो कोई पाप करना छोड़ नहीं दिया था? क्या छोड़ दिया था? नरका का नाम तो बहुत बार बुलाया होगा जिंदगी में, बहुत बार, लेकिन कभी तो अजामिल अधर्म करने से अपने को रोक नहीं पाया, रोका नहीं। इसका धर्म बुद्धि भगवत बुद्धि व धर्म बुद्धि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में भी वही वो दुष्चरित्रा रमणी का साथ रमण किया है। तो फिर कुलट रमणी के प्रेम में अभिभूत होकर इन्हीं के सेवा में अपना जीवन जिंदगी को गंवाया है। अब आज क्या कौन से नया हो गया? इस अवस्था में मृत्यु काल में भयभीत होकर जब पुत्र का नाम लेके बुलाया, इसमें क्या खास हो गया? इसमें क्या खास हो गया महाराज? इस आशंका का समाधान देने के लिए विष्णुदूत दम कह रहे हैं, मानो कि कह रहे हैं, इसका मर्मार्थ क्या है? मर्मार्थ क्या है? यही, यद्यपि अजामिल साक्षात पक्ष में भगवान को बुलाया नहीं, साक्षात भगवान को बुलाने के लिए ही भगवान को बुलाया नहीं, भगवान का जो नाम पुकारा ये भगवान को बुलाने के लिए बुलाया नहीं, तो इस बार मरने का समय में क्या खास हो गया? इसका समाधान विष्णु दूतों ने कह रहे हैं, यद्यपि अजामिल साक्षात रूप से भगवान को बुलाया नहीं, अपना पुत्र को ही नाम पकड़कर बुलाया, वो भी इसका मन में भगवान को बुलाने के लिए भगवान का कोई संबंध और धारणा भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी इसी नाम तब भी इस नाम का उच्चारण में पाप खाए हो गया, क्योंकि शास्त्रों का विधान है, हमने दो तीन दिन पहले भी बताया था, सांकेतन पयासम वास्तवम हिरण्यमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरणम विजु। तात्पर्य ये है, जे भगवान का नाम जाने अनजाने में, जाने अनजाने में किसी भी हालत से भगवान का नाम अगर कर लो, काल भी हम व्याख्या किया थे इसका, वैकुंठ नाम ग्रहण का इतना पावर है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरणम बीजु। ये कोई सीरियसली नहीं किया, कुछ जानबूझ के नहीं किया, अचानक निकल गया है, बहुत सारे उपहास करके गीतों का कविता का पूर्ति करने के लिए नाम करो है, संकेत व प्रयास के द्वारा। फिर भी इस जगत में देखा जाता है, कोई अगर बच्चा, मैंने देखा है एक बच्चा खेलते खेलते अपना एक चक्कू को हाथ में ले लिया, नादान बच्चा हाथ काट के एकदम, क्योंकि बच्चा को मालूम नहीं था चक्कू को पर हाथ। अब फिर भी देखा एक बच्चा ये आग में खेलते खेलते हाथ डाल दिया, ऐसा भी देखा। तो जगत में ऐसा अक्सर देखा जाता है, बच्चा को कहाँ तक आप ख्याल रखोगे, बच्चों को कितना कहाँ तक ख्याल रखोगे, कि तो ये करेगा ही हरकतें,
तो ये कब आग में हाथ लगाया, कब ये किया वो किया, कौन ध्यान दे, सब कर दिया। और उस समय क्या आप बोलोगे बच्चा है हाथ दिया तो क्या हुआ छोड़ देना चाहिए, ऐसा तुमने होता नहीं ना। जैसे 20 पॉइजन जाने अनजाने में किसी भी हालत से अगर पॉइजन पी लिया, क्या इसका लिए क्षमा मिलेगी? नहीं मिल सकता। पॉइजन आपने जानबूझकर पिया नहीं पिया, एक दादाजी ने अपना घर में चूहा का बड़ा हंगामा हो रहा है, चूहा का हंगामा, उन्होंने क्या किया किसी को बताए बिना मार्केट में गया और काटलेट लेके आया है, काटलेट लेके आया, खुशबू निकल रहा है, और उसमें 20 मिलाकर और दरवाजा के इधर उधर रख दिया। और अपना पोता जो है घर में आया, कहाँ से खुशबू निकल रहा है, ऐसा अनुसंधान करते करते उसको मिल गया वो काटलेट, बच्चा तो है ही है, किसी को पूछा भी नहीं, मैया भी नहीं है घर में, कुछ नहीं है, और बच्चा तो खा गया, इसको खा गया पूरे एकदम, बाप रे ये तो खा गया, अब क्या करे? कहने के बाद मरने का चक्कर है, हॉस्पिटल ले जाओ, इधर उधर बचा नहीं पाए, क्योंकि बहुत देर तक ये खबर मिला बस। तो फिर ये जो है सकित उच्चारितम जेनो हरि रीति अक्षर दयम बद्ध परिकरस्तेन मुक्षायो गमनम पति, जिनके मुख में एक बार हरिनाम, पद्म पुराण में है, जिनके मुख में एक बार हरिनाम का नित्य होता है, मक्षशु मक्षशुक अनायास ये इसको मिल जाता है, कोई बात ही नहीं है, ऐसा महान है। ऐसा ही महिमा है नाम का, नाम का महिमा का ऊपर जितना भी चर्चा करो कम है। तो जाने अनजाने में एक बच्चा अगर उल्टा कर दिया, आंख में हाथ डाल दिया, आंख का कोई दोष नहीं है, वो जला के जला के रखेगा, जो ज्यादा बोलने का क्या है, हरेर हरीर हरती पापानी, हरीर हरीर हरती पापानी दुष्ट चित्तोई रोपी श्रुत अनिच्छयापी संस्पृष्टो दहति एव ही पावका। जैसे आग आप जानबूझ के दिया नहीं, हाथ लगा दिया आपको जलाएगा, ऐसे मुस्लिम व्यक्ति लोग अगर बिना सोचे समझे हराम कर दिया उसका भी पाप जलेगा ही। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, बाकी बहुत सारे ये सब गंभीर चर्चा को हम करते करने का इच्छा रखते हुए आज यहाँ कथा का विश्राम दे, समय कम है इसलिए। तो फिर ये जो श्लोक दे के शुरू किया था, संकीर्तमानो भगवान अनंत श्रोतानुभाव वसनम हि पुंसम प्रविश्य चित्तम विदुनोति अशेषम यथा तमो अर्को अभ्रोमिवाति बातः वांछ कल्पतरुषि के पास सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।